नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप? आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अगस्त 2022 में किस ट्रैक्टर कंपनी ने सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर सेल की, कौन सी कंपनी टॉप पर रही और कौन सी कंपनी निचले पायदान पर रही। पिछले साल की तुलना में अगर बात की जाए इस साल तो ट्रैक्टर की सेल में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिली है। किस ट्रैक्टर कंपनी ने सबसे कम ट्रैक्टर बेचे, किसने सबसे ज़्यादा सेल की, सब बात हम डाटाबेस के आधार पर करेंगे। और आप कमेंट करके बताइए कौन सी कंपनी आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और टॉप 10 ट्रैक्टर कंपनियों के सेल्स फिगर जानने से पहले मैं आपको उन बाकी कंपनियों के सेल फिगर बता देता हूँ जो टॉप 10 में शामिल नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं VST ट्रैक्टर कंपनी की। इस ट्रैक्टर कंपनी ने मार्केट में थोड़े ही समय में अपनी जगह बहुत अच्छी बना ली है। इस ट्रैक्टर कंपनी ने किसानों का भरोसा हासिल कर लिया है। इस ट्रैक्टर कंपनी ने 2 अगस्त 2022 में टोटल 450 ट्रैक्टर बेचे अगस्त महीने में, जो कि नई कंपनी के हिसाब से बहुत अच्छी सेल फिगर है। अगर हम बात करें वहीं एक और ट्रैक्टर कंपनी की जो टॉप 10 में शामिल नहीं हुई है, लेकिन इस ट्रैक्टर कंपनी ने किसानों का भरोसा और दिल जीत लिया है। यह ट्रैक्टर कंपनी 20 HP से लेकर 90 HP तक ट्रैक्टर बनाती है और इस ट्रैक्टर कंपनी का नाम है इंडो फार्म ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर कंपनी ने अगस्त 2022 में 454 ट्रैक्टर बेचे हैं। टॉप 10 ट्रैक्टर की सेल फिगर्स जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को कर लें प्रेस, जो आपको हमारी अपडेट सबसे पहले मिले। और अब बात कर लेते हैं टॉप 10 ट्रैक्टर कंपनी की सेल फिगर के बारे में। 10वें नंबर पर रहने वाली ट्रैक्टर कंपनी है प्री ट्रैक्टर कंपनी। इस ट्रैक्टर कंपनी ने अगस्त 2022 में टोटल 500 ट्रैक्टर बेचे हैं। इस लिस्ट में 9वां स्थान प्राप्त करने वाली ट्रैक्टर कंपनी है कबोटा। कबोटा ट्रैक्टर कंपनी ने अगस्त 2022 में टोटल 1340 ट्रैक्टर बेचे। वहीं अगर हम बात करें अगस्त 2021 की, तो अगस्त 2021 में कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी ने टोटल 1663 ट्रैक्टर बेचे थे, जो कि 343 ट्रैक्टर ज़्यादा हैं। मतलब कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी ने 2022 में 323 ट्रैक्टर कम बेचे हैं 2021 के मुकाबले में। कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी ने अगस्त 2022 में 19.42% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। किसान भाइयों, आपको कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी का कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं 8वें स्थान की। 8वें स्थान पर रहने वाली कंपनी का नाम है न्यू हॉलैंड। न्यू हॉलैंड कंपनी ने अगस्त 2022 में टोटल 1925 ट्रैक्टर बेचे हैं, जो कि न्यू हॉलैंड कंपनी ने अगस्त 2021 में 2800 ट्रैक्टर बेचा था। मतलब के 2022 में न्यू हॉलैंड कंपनी ने 875 ट्रैक्टर कम बेचा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। न्यू हॉलैंड कंपनी ने 2022 में 31.25% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आपको न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर का कौन सा ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पर रहने वाली कंपनी का नाम है एचर। एचर ट्रैक्टर कंपनी ने 2713 ट्रैक्टर बेचे हैं और अगस्त 2022 में। अगर बात करें अगस्त 2021 की, अगस्त 2021 में एचर ट्रैक्टर कंपनी ने 4301 ट्रैक्टर बेचा था। मतलब के एचर ट्रैक्टर कंपनी की भी सेल गिरी है। एचर ट्रैक्टर कंपनी ने 2021 के मुकाबले में अगस्त 2022 में 1588 ट्रैक्टर कम बेचे हैं। मतलब कि एशर ट्रैक्टर कंपनी की सेल में 36.92% की गिरावट दर्ज की गई है। किसान भाइयों, आपको एशर का ट्रैक्टर कंपनी का कौन सा मॉडल सबसे अच्छा और बेहतरीन लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं 6ठा स्थान प्राप्त करने वाली ट्रैक्टर कंपनी की। 6ठे स्थान पर रहने वाली ट्रैक्टर कंपनी का नाम है जॉन डियर। जॉन डियर ट्रैक्टर कंपनी ने 6ठा स्थान प्राप्त किया है इस लिस्ट में। जॉन डियर ट्रैक्टर कंपनी ने अगस्त 2022 में टोटल 3740 ट्रैक्टर बेचे हैं।
वहीं बात करें हम अगस्त 2021 की, अगस्त 2021 में जॉन डीयर ट्रैक्टर कंपनी ने 5,457 ट्रैक्टर बेचे थे। जॉन डीयर ट्रैक्टर कंपनी ने 2021 के मुकाबले में अगस्त 2022 में टोटल 1,717 ट्रैक्टर कम बेचे हैं 2021 के मुकाबले में। मतलब के जॉन डीयर ट्रैक्टर कंपनी की सेल में भी गिरावट आई है। जॉन डीयर ट्रैक्टर कंपनी में 31.46% की गिरावट दर्ज की गई है 2022 में अगस्त में। दोस्तों, आपको जॉन डीयर ट्रैक्टर कंपनी का कौन सा मॉडल सबसे अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस वाइज, लुक वाइज, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम बात करते हैं पांचवां स्थान प्राप्त करने वाली ट्रैक्टर कंपनी की। पांचवां स्थान प्राप्त करने वाली ट्रैक्टर कंपनी है स्कॉट। स्कॉट कंपनी की टोटल फिगर की बात करें तो इस ट्रैक्टर कंपनी की टोटल फिगर में ट्रैक्टर कंपनी के तीनों मॉडल आते हैं, जैसे कि फार्म ट्रैक, डीजी ट्रैक, पावर ट्रैक। इन स्कॉट ट्रैक्टर कंपनी ने इन तीनों ट्रैक्टर की सेल को मिलाकर अगस्त 2022 में टोटल 4,882 ट्रैक्टर बेचे हैं, जो कि अगस्त 2021 में इस ट्रैक्टर कंपनी ने टोटल 7,526 ट्रैक्टर बेचे थे, जो कि 2021 में इस ट्रैक्टर कंपनी की सेल ज़्यादा रही और अगस्त 2022 में इस ट्रैक्टर कंपनी की सेल कम रही। 2022 में ट्रैक्टर कंपनी ने 2021 के मुकाबले 2,644 ट्रैक्टर कम बेचे, मतलब कि फार्म ट्रैक की सेल में भी गिरावट दर्ज की गई है। फार्म ट्रैक की सेल में 35.13% की गिरावट दर्ज की गई है। किसान भाइयों, आपको फार्म ट्रैक का कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इस लिस्ट में चौथा स्थान प्राप्त करने वाली ट्रैक्टर कंपनी की, जिसका नाम है सोनालिका। सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी ने अगस्त 2022 में 5,709 ट्रैक्टर बेचे। वहीं बात करें अगस्त 2021 में सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी ने टोटल 8,252 ट्रैक्टर बेचे। इसका मतलब यह है कि सोनालिका ट्रैक्टर की सेल में भी गिरावट दर्ज की गई है अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में 2021 के मुकाबले सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी ने 2,543 ट्रैक्टर कम बेचे हैं 2021 के मुकाबले में। सोनालिका ट्रैक्टर की सेल में 2021 के मुकाबले 2022 में 30.81% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। किसान भाइयों, आपको सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी का कौन सा मॉडल सबसे अच्छा और बेहतरीन लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली ट्रैक्टर कंपनी की, जिसका नाम है टैफे। टैफे ट्रैक्टर कंपनी ने अगस्त 2022 में टोटल 6,447 ट्रैक्टर बेचे। वहीं बात करें अगस्त 2021 में टैफे कंपनी ने 8,626 ट्रैक्टर बेचे थे, मतलब के टैफे कंपनी की सेल में भी गिरावट दर्ज की गई है। टैफे कंपनी ने 2022 में 2021 के मुकाबले 2,189 ट्रैक्टर कम बेचे, जो कि काफ़ी कम है। टैफे कंपनी की सेल में 25.26% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। किसान भाइयों, आपको टैफे कंपनी का कौन सा मॉडल सबसे अच्छा लगता है और क्यों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इस लिस्ट में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली ट्रैक्टर कंपनी की। इस लिस्ट में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली ट्रैक्टर कंपनी है स्वराज। स्वराज ट्रैक्टर कंपनी ने अगस्त 2022 में 8,135 ट्रैक्टर बेचे। वहीं बात करें हम अगस्त 2021 की, स्वराज ट्रैक्टर कंपनी ने अगस्त 2021 में टोटल 11,552 ट्रैक्टर बेचे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। स्वराज ने 2021 के मुकाबले 2022 में टोटल 3,417 ट्रैक्टर कम बेचे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट है सेल्स में। स्वराज ट्रैक्टर कंपनी की सेल्स में 29.58% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी के लिए चिंता का विषय है। वहीं बात करें किसान भाइयों, आपको स्वराज का कौन सा मॉडल पसंद है और क्यों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नंबर वन ट्रैक्टर कंपनी कौन सी होगी? देखने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नंबर वन ट्रैक्टर कंपनी कौन सी होगी। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर वन ट्रैक्टर कंपनी की।
इस लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त करने वाली ट्रैक्टर कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी ने 2022 में टोटल 11,605 ट्रैक्टर बेचा है अगस्त महीने में। महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी ने सारी कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा ट्रैक्टर सेल किए हैं अगस्त 2022 में, लेकिन महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी ने भी अपनी सेल में गिरावट दर्ज की है। महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी ने 2022 के मुकाबले 2021 में 15,921 ट्रैक्टर बेचे थे, मतलब कि 2022 में महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी की सेल में गिरावट दर्ज की गई है। 2022 में महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी ने 4,316 ट्रैक्टर कम बेचे हैं 2021 के मुकाबले में, यानी कि महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी की सेल में 27.11% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, महिंद्रा को अपनी सेल की तरफ ध्यान देना चाहिए या नहीं? किसान भाइयों, आपको महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी का सबसे बढ़िया मॉडल कौन सा लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सुझाव जरूर दें। किसान भाइयों, आपको किस ट्रैक्टर पर किस ट्रैक्टर के साथ कंपैरिजन वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उस वीडियो को जल्दी से जल्दी बनाने की आपके लिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को कर लें प्रेस, हर नई जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।